जब भी आप मेकअप करके निकलते हो क्या लोग समझते हैं कि आप आटा मल के आ गए हो? मतलब मनो भर के पता नहीं कितना किलो मेकअप करा है, या फिर फाउंडेशन लगाने के बाद ऐसे फटी फटी सी कहीं से यहां पर पैचेस पड़ जाते हैं, स्मूथ बेस जैसे कैटरीना कैफ, करीना कपूर का लगता है, वैसा नहीं लगता। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आज आपकी प्यारी जेसुपर कौर इस चीज को इतनी आराम से हल कर देगी। मतलब ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपने यूट्यूब पे अभी देखी नहीं होंगी, और अगर आप फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपकी एजिंग स्किन है, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, आपको नहीं दे फेस पे उतने पोर्स विजिबल होते हैं, लाइंस दिखती हैं, स्मूथ नहीं लगता, तो कैसे अपनी स्किन को फ्लॉलेस बेस दिया जाए और बहुत आसान से, खर्चा भी ज्यादा नहीं करना, ये सब देखना है ना तो फिर बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहला स्टेप दोस्तों यही रहेगा कि आप जब भी मेकअप करते हैं क्लीन कैनवस पे करें, आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए पहली बात। अब आप लोग मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ये बात तो समझ गए हो, इतना तो सबको पता है, ठीक है। अब क्लीनिंग की अगर मैं बात करूं तो स्क्रबिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपकी स्किन जो है डब खड़ब है, थोड़े से रैशेज हैं, थोड़े से दानों के निशान है, अनइवन स्किन टोन है, सॉफ्ट स्मूथ स्किन नहीं है, दाग वगैरह है, पैची स्किन जिसको बोलते हैं, अगर इस तरह से है तो इसकी मैं ऑलरेडी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं अपने जे सुपर कौर मेन चैनल पर। वहां पर आप DIY स्क्रब मेरा चेक कर सकते हैं और फ्लॉलेस बेस वहां पर भी मैंने शेयर करा है, वो आप कीजिए। तो आप क्लीन के साथ साथ स्क्रबिंग जरूर करें, हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग, एक से दो बार तीन बार भी कर सकते हैं, स्क्रबिंग जरूर कीजिए माइल्ड। उससे क्या होगा, आपकी जो स्किन का टेक्सचर है वो स्मूथ होता जाएगा। आप या तो इस तरह से सिरम भी यूज कर सकते हैं, तो आप ये प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइजर, कैमोमाइल एंड व्हाइट टी वाला है, इसका ग्रीन टी वाला मैं टोनर यूज करती हूँ, ये आप थोड़ा सा लेकर अपनी स्किन को आप वेल मॉइस्चराइज, मैंने ऑलरेडी अपनी स्किन को प्रेप कर रखा है, मॉइस्चराइज कर रखा है, तो आप ये अच्छे से लेकर अपनी स्किन पर स्मूद आउट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूद हो जाएगी, खुशबू भी बहुत अच्छी है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसमें ऑलरेडी सनस्क्रीन भी है, SPF भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉइस्चराइज्ड फेस होना चाहिए, एक हम अमूमन बात भूल जाते हैं, वो है फेशियल हेयर, चेहरे पर हमारे अनवांटेड बाल होते हैं, उसकी वजह से भी जो हमारा फेस का जो हमारी फाउंडेशन है वो पैची लगती है, डब खड़ब लगती है, यहाँ यहाँ से फटी फटी सी फाउंडेशन लगती है, वो भी अच्छी नहीं लगती। तो चेहरे पे, मतलब अगर टीनेजर हो तो बात अलग है, बट अदरवाइज आप चेहरे के जो बाल हैं उनसे जरूर निजात पाएं। आप वैक्स कराते हैं या फेशियल रेजर यूज करते हैं, मैं तो भैया फेशियल रेजर यूज करती हूँ, नीचे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा अगर इस फेशियल रेजर आप देखना चाहते हैं तो उससे क्या होता है, आपके बाल जो हट जाते हैं, जब बाल होते हैं तो फाउंडेशन वहां पर थोड़ा सा ना टिकने लग जाती है, रुकने लग जाती है, जैसे रूट्स होते हैं यहाँ पे बहुत ग्रोथ हो रही है, यहाँ ग्रोथ हो रही है, यहाँ ग्रोथ हो रही है, तो वहां पर फाउंडेशन बैठने लग जाती है, जिसकी वजह से फाउंडेशन फटी फटी लगती है। तो आप फेस को बिल्कुल क्लीन स्मूद आउट करें, जो ऊपर अपर लेयर पे आपके बाल आए हुए हैं अनवांटेड अगर बहुत ज्यादा हैं तो वो जरूर हटाएं, आपका बेस बिल्कुल फ्लॉलेस लगेगा। स्टेप टू दोस्तों, अगर आपकी ड्राई स्किन है बहुत ज्यादा, तो आप जैसे मैंने ये रोज गोल्ड एलिक्सियर दिखाया है आपको O2 का, आप कोई भी गोल्ड एलिक्सियर, रोज एलिक्सियर, फेशियल ऑयल, मैं बहुत सारे आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी जो मेरे फेवरेट हैं, आप JSuper.store पे मुझे फॉलो कीजिए, इस तरह के मैं रिव्यू बनाती रहूंगी आपके लिए, फेशियल ऑयल कौन सा अच्छा है, ये मेरा फेवरेट है। तो अगर ड्राई स्किन है तो फेशियल ऑयल भी यूज करें, ये प्राइमर का भी काम करेगा ड्राई स्किन में, नहीं तो ऑयली स्किन है या कुछ भी, तो आप इस तरह से पोर बेनिफिट का आता है बेनिफिट प्रोफेशनल प्राइमर, ये मैं थोड़ा सस्ता वेरिएंट दिखा रही हूँ, लैक्मे का ब्लर परफेक्ट, इफ यू गाइस कैन सी, यहाँ पर थोड़े से भी आपके पोर्स विजिबिलिटी दिखती है तो वो कम हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेप हमारा इस तरह से, आप पी साइज अमाउंट लेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पर इतना काफी है। अगर आपकी बहुत प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो आप दो मटर के दाने जितना भी ले सकते हैं, ये देखिए मैंने सिर्फ इतना लिया है, और इसको अब मैं अपने यहां पर चीक एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, चीक एरिया पे, नोज पे, मैं सामने दोस्तों स्क्रीन में अपने आपको देख रही हूं, मिरर और स्क्रीन आ गया है, और इस तरह से लगाकर आपकी स्किन को ये इतना स्मूथ कर देगा। और एक बात और बताना भूल गई, ये मेरा सिलिकॉन प्राइमर है, DIY सिलिकॉन प्राइमर, सिलिकॉन बेस्ड है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग, ये मैंने घर पे बनाना सिखा रखा है और बहुत सस्ता, तो मेरे मेन चैनल JSuper Kaur, वहां पर आप DIY सिलिकॉन प्राइमर ट्राई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आप ये बना लीजिए, नहीं तो ये रेडीमेड आप ले लीजिए 500-600 का, जितना गुड़ डालोगे यार उतना मीठा है, ठीक है। इसको आप इस तरह से
मसाज कर लीजिए, आपको डैब भी करने। आप कुछ लोग बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज मेकअप में रूल्स फॉलो मत करो, आपको इस तरह डैब डैब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डैब भी करेंगे या फिर इस तरह से भी मसाज करेंगे, आप ऑलरेडी फेशियल ऑयल और मॉइस्चराइज कर चुके हो स्किन को, तो आपकी स्मूथ बहुत अच्छे से स्मूथली ग्लाइड करेगा। स्किन स्मूथ तो ऑब्वियसली मैं फील कर सकती हूँ, लेकिन आपको एक थोड़ी सी कवरेज भी। एक और टिप आपको पता है, आपकी जेसुपर कौर स्पेशल ट्रिक्स सीक्रेट हैक्स लाती रहती है। तो अगर आपके पास प्राइमर ही नहीं है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते प्राइमर, नहीं खरीदना मन नहीं है, सनक है कि नहीं यार छोड़ना प्राइमर वेले टंटे, तो मैं ऑलरेडी आई थिंक वीडियो शेयर कर चुकी हूं या कर दूंगी, आई थिंक कर चुकी हूंगी मैं शेयर, तो वो वीडियो कि प्राइमर के बिना आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और ज्यादा आपकी स्मूथ आउट स्किन कैसे रहे, वो सीक्रेट हैक मैं शेयर कर चुकी हूं। नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी और यहां पर आपको आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज क्लिक करके वहां पर सराइए जरूर अगर आपको मेरा टिप अच्छा लगे। तो टिप है दोस्तों, जो भी आप फाउंडेशन लगाते हैं, मैं सामने देख रही हूं, वो आप फाउंडेशन लगा लीजिए। मैं शुगर एस ऑफ फेस यूज कर रही हूँ यहाँ पर, इसके साथ ब्रश भी आता है, मुझे बहुत बहुत पसंद है ये फाउंडेशन, तो आप ये यूज कर सकते हो। आप लिक्विड फाउंडेशन लैक्मे की या कोई भी फाउंडेशन आप यूज कर सकते हो, इट इज एंटायरली योर साइड पे। आपको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ दिखा देती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पानी में अच्छे से डिप करके, अगर आप देखें तो मैं ये डार्क सर्कल्स अंडर आई एरिया में भी फाउंडेशन को डैप कर रही हूँ इस तरह से, ये देखें। आप डैब भी कर सकते हैं, और अगर आप फिंगर से कर रहे हैं तो आप इसको स्वाइप करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका फेस वेल मॉइस्चराइज्ड है, आपने प्राइमर लगा रखा है, तो आप इसको बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं। और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये जो मेरी ये वाली साइड है जहां पर मैंने फिंगर से किया, ये ज्यादा अच्छी लग रही है और ये थोड़ी ओके ओके लग रही है। और हैक दे देती हूँ आपको दोस्तों, अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है और आपको ये बिल्कुल पैची हो रही है लगाते वक्त, तो आप जो भी फेशियल ऑयल यूज करते हैं, बादाम का तेल भी ले सकते हैं। मेरा DIY फेशियल ऑयल जे सुपर कौर मेन चैनल पे आपको मिल जाएगा, DIY फेशियल ऑयल एंड एवरीथिंग। तो आप ये सिर्फ एक ड्रॉप, ये सिर्फ मैं ड्राई स्किन वालों के लिए बता रही हूँ, ऑयली स्किन वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप ये लगाएंगे तो ये इतने अच्छे से ग्लाइड होगी ना, मजा आ जाएगा और एप्लीकेशन इतनी बढ़िया होगी। अब आप खुद देख सकते हैं अंडर आईज में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फिंगर को स्वाइप कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। Can you guys see the difference? बिल्कुल स्मूद आउट लग रहा है आपकी फाउंडेशन, बिल्कुल जो कहते हैं ना बिल्कुल फटी फटी नहीं लगेगी कि, और मैंने आपको कोई मुश्किल तरीका भी नहीं बताया, ये ब्यूटी ब्लेंडर वो आप डैब भी कर सकते हैं, आप स्वाइप भी कर सकते हैं अगर स्किन वेल मॉइस्चराइज्ड है तो। नीचे मुझे पता है बड़े सारा और ये स्वाइप नहीं करते, ये नहीं करते, तो प्लीज डोंट टीच मी दैट। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती आई हूँ आज तक कैसे ही लगानी है। कंसीलर यूज करते हैं, हालांकि मैं ज्यादा कंसीलर यूज नहीं करती, आई एम क्वाइट हैप्पी विद द नेचुरल कवरेज, मैंने जितनी फाउंडेशन लगाई थी उतनी काफी है। बट इफ यू वॉन्ट टू गो हैवी ड्यूटी तो ये LA गर्ल प्रो कंसीलर है HD हाई डेफिनेशन, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, और मुझे एक सिवाना कलर्स का बहुत पसंद है, मेरे मेकअप स्टोर पे इंस्टाग्राम स्टोर पे JSuper.store पे अवेलेबल है। सो आप ये थोड़ा सा इस तरह से लगा सकते हैं, ये भी थोड़ा बहुत ज्यादा ड्राई होता है, लगाते ही ये बिल्कुल सेट हो जाता है मतलब, तो यू हैव टू वर्क वेरी क्विकली विद दिस। ये आप लगा सकते हैं क्योंकि आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड है, सो इट विल वर्क रियली वेल। ऑरेंज करेक्टर के साथ लगा सकते हैं, तो दैट्स इट। इस तरह से आपका जो बेस है वो एब्सोल्युटली फ्लॉलेस लगेगा, केकी नहीं होगा, जो ऐसा लगता है ना मेकअप थोप के आ गए, आटा मल के आ गए। ये लैक्मे का मैं SPF सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, मेरा फेवरेट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट। लूज पाउडर यूज कर सकते हैं, क्या होता है हम लोग इसका जो स्पंज आता है साथ में एप्लीकेटर, इससे पूरा फेस कर लेते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी स्किन जो है ऑयली है, कॉम्बिनेशन है कैसे है, ये मैंने ऑलरेडी अपने मेन चैनल पे वीडियो बना रखा है JSuper Kaur टाइप्स ऑफ स्किन या स्किन टाइप्स, आप जान सकते हैं आपकी स्किन कैसी है। तो अगर आपकी स्किन टी जोन में ऑयली है, मतलब ये एरिया ऑयली है, तो सिर्फ यहीं पर कॉम्पैक्ट लगाएं, यहां लगाने की जरूरत नहीं है। अब मान लो ये एरिया आपकी स्किन का ड्राई है, ये आपका ऑयली बिल्कुल नहीं है, अब अगर आप यहां पर कॉम्पैक्ट लगा दोगे तो होगा क्या, यहां पर आपका कॉम्पैक्ट जम जाएगा, चकत्ते चकत्ते से बन जाएंगे, वो आप नहीं चाहते। तो जहां पर ऑयल सिक्रीट ज्यादा होता है, जैसे अंडर आई एरिया में मेरी तो बहुत स्वेटी आईलिड्स हो जाती है, वहां पर अपने फेस के हिसाब से लगाएं। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो पूरे फेस पर कॉम्पैक्ट लगाएं, अगर कॉम्बिनेशन है तो सिर्फ टी जोन पे लगाएं, जिस तरह से मैं इस तरह से यहाँ पर लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, लाइंस नहीं पड़ेंगी, जो क्रीसेस पड़ जाती है ना वो नहीं पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं तो मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं, जैसे ये मिस क्लेयर का है, मुझे बहुत पसंद है, इसमें मैट और ड्यूई दोनों फिनिश के आते हैं, तो ये थोड़ा सा आप दूरी पे रख के 2-3 स्प्रेज करके इसको थोड़ा, प्लीज इसको स्प्रे करने के बाद ऐसे ऐसे रगड़िएगा मत, इसको स्प्रे करने के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर सकते हैं, मैं इतना नहीं करती हूँ,
जब मैं हैवी कवरेज करती हूँ तब देखती हूँ, बट इसको आप थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए एंड दैट्स इट. प्रॉमिस यू आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल टिका तो रहेगा ही, साथ में बिल्कुल केक ही नहीं लगेगा कि बिल्कुल आप कहीं से आटा मल के आ गए हो, मतलब पता नहीं क्या क्या लगा लगू के आ गए हो. बहुत नेचुरल प्यारी कवरेज मिलेगी, नेचुरल मेकअप लगेगा एंड दैट्स इट. स्मूथ स्किन यही तो चाहिए हम सबको, है ना. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो आप यार कर ही दोगे एंड दैट्स इट. जेसुपर कौर ब्यूटी को फटाफट से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्यूटी है तो यहाँ पर तो झलकेगी ही. गर्ल जेसुपर कौर साइनिंग ऑफ, बाय, लव यू ऑल.